नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के समस्तीपुर जिले में पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, भारी मात्रा में विदेशी शराब से लदे ट्रक के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर चकमेसी थानों के संयुक्त छापामारी में सफलता मिली है। विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर समस्तीपुर के नेतृत्व में अवैध शराब की बरामदगी हेतु कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छापामारी दल का गठन कर छापेमारी और गश्ती चेकिंग किया गया। इस दौरान जितवरिया ग्राम में मलंग स्थान के पास एक ट्रक लदा हुआ कुल 618 कार्टून में 55,29,960 लीटर शराब बरामद किया गया। साथ ही 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई। छापेमारी दल में थाना अध्यक्ष ब्रिज किशोर सिंह, थाना अध्यक्ष चकमेहसी मोहम्मद खुशबुद्दीन और डीआईयू की टीम शामिल थी। पुलिस ने शराब लदे ट्रक, एक ग्लैमर मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद की। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं DSP प्रीतिश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उक्त ट्रक पिछले 3 दिनों से मुजफ्फरपुर में लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। विशेष अभियान शराब माफियाओं के विरुद्ध पूरे जिला में चल रहा है। इसी के तहत गुप्त सूचना प्राप्त हुई कल्याणपुर क्षेत्र में एक पूरा ट्रक शराब आने की सूचना है। सूचना पर जिले की टीम, DIU की टीम परमानंद के नेतृत्व में, कल्याणपुर की टीम ब्रजकिशोर के नेतृत्व में और चकमेसी की टीम खुशबुद्दीन के नेतृत्व में निकले हुए थे। सघन जांच की गई। करीबन हम लोग 6 वाहन से पूरे क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे ताकि किसी भी हालत में ये खाली ना जा पाए, इसे पकड़ पाए। इसी दौरान जितवरिया मलंग स्थान के पास से कल्याणपुर और चकमेसी थाना द्वारा, थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से लोग छापेमारी करते हुए उस ट्रक को पकड़ लिए। जो सूचना प्राप्त हुई थी, पकड़ने के बाद चेक किया गया, पूरा 10 सेट का जो ट्रक है शराब से लोडेड है। गिनती की गई, कुल 618 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। लीटर में बताएं तो 5500 लीटर बरामद हुई है। साथ ही ट्रक का जो ड्राइवर है, उसका सहायक है, वो दोनों लोग मौके पर से गिरफ्तार किए गए। 2 यहाँ के लोकल जो अभियुक्त थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। वो उस ट्रक को लीड करते हुए अपने क्षेत्र में ला रहे थे। उनके पास चेक किया गया तो मोबाइल, पैसे बरामद हुए, ड्राइवर के मोबाइल भी बरामद हुआ है। उससे यहाँ जिससे उसने बात किया है, जिसने शराब को मंगवाया है, उसकी पहचान की कार्रवाई की जा रही है। नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इस प्रकार से एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुआ है कल्याणपुर पुलिस के। अभी तक कोई सुराग मिला है कि नहीं, कहाँ का है, किसका ये मामला? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।